एफआईआर लगवा रहे हैं हमारे बच्चों के घर खाने में अलग अलग जाकर। तो मैं आई एम है मेंबर्स की और स्टूडेंट्स की, तो मैं ये गुजारिश करूंगी हम सब यहाँ पे बहुत सारे सक्षम है, जरूर हमने पॉलिटिशियंस का तमाम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जितना मीडिया सारे लोग हैं यहाँ पर सब लोग 10-10 फोन करके 10 पब्लिक के लोगों को ये बातें बताएं जिससे ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट जाए, ये बहुत जरूरी है। एक सहयोग के लिए पत्र जा रहा है लॉयर्स एसोसिएशन एंड बार एसोसिएशन को, ऐसा ही पत्र, जस्ट वेट ऑन प्लीज, इसमें कोई क्लैपिंग की बात नहीं, ऐसा ही पत्र हम चाहते हैं कि जितनी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी जाए, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। अभी मैं जाके इनकी फोटो कॉपियां कराता हूं और जिस जिसको चाहिए आप कृपा करके ऊपर एड्रेस टू सेवा में वो अपने मुताबिक लिख लीजिएगा, और कोई रोटरी क्लब, दिस क्लब, दैट क्लब, दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको देना चाहे आप ले लीजिएगा। क्या लिखा है ये आपको पढ़ के सुना देते हैं, अगर आपकी अप्रूवल हो तो। अच्छा, प्लीज फुल डेटा हमारे बीच में जाऊं फिर अपने काम पे। मैं डॉक्टर आरपी शर्मा, कल मैंने जब लगभग 12:30 बजे विद्यापुरी होने के बाद मैं वापस आया था, तो मैंने अपने पूरा स्टेटमेंट दे दिया था और मैं उस स्टेटमेंट को डीटो करता हूं। जो भी मेरे सब थे जो मैंने कहा था उसे मैं पीछे नहीं हटू, वो स्टेटमेंट सही था। और मैंने जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, जिस समय घटना घटी थी 7:30 बजे मैं अपने कक्ष में काम कर रहा था, आज से प्रदेश के 20 जिलों की एफएमएसआई ट्रेनिंग आयोजित होनी थी 3-7 मार्च के बीच में, तभी लगभग आवाज आई और कर्मचारी आप सबको मालूम है मैं लेट हो चुका हूँ, गाड़ी मेरे बगल में खड़ी होती है, उसने आपको बताया सर आवाज आ रही है, हमने सर से भी बात किया, प्रिंसिपल सर से, उन्होंने बोला आरपी शर्मा हम लोग एक जगह बैठ करके आपस में निर्णय ले करके तब लोग कहें सर आप आ जाइए, हम लोग हैं उसमें सुंदर सर को भी मैंने बोला, सर ने बोला है रामदास हम लोग नीचे में आया, बाई तरफ मैं गया देखने के लिए, वहां भीड़ थी, ऑलरेडी हमारे डॉक्टर डॉक्टर संजय काला, डॉक्टर अमरीश गुप्ता बच्चों के साथ वार्ता कर रहे थे, बच्चे गेट से लगभग 40 मीटर दूर पहले थे, बच्चों ने बहुत कुछ जताया, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, हम लोग भी उसे ऑनर तो करते ही कहना माना, बच्चे लगभग 200 मीटर बैक हुए, उसी बीच प्रिंसिपल सर भी आ गए और उन्होंने भी भरसक प्रयास किया और बच्चों ने उनकी बात को मानते हुए बच्चे पीछे स्थिति नियंत्रण में थी। मैम एक चीज, थोड़ी ही देर में जब हम लोग बच्चों समझा रहे थे बच्चे पीछे जा रहे थे, उसी बीच में गेट पे फोर्स दिखाई दे, गेट बंद सामने वाले गेट, सामने और साइड का गेट, दोनों प्रिंसिपल सर के वार्ता के अनुसार बोले बेहतर होगा कि सामने वाला गेट और साइड का हम लोग बंद करते हैं और कैसे वाले गेट से एंट्री नहीं होनी चाहिए जो भी आना चाहे, इसी बीच में फोर्स सामने आ गई, थोड़ी देर उन्होंने अपनी स्थिति का आकलन किया और उसके बाद से दौड़ते हुए जैसा की प्रक्रिया होती है वो हुआ, उन्होंने शुरू कर दिया, मैं बड़ा दुख लगा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी स्थिति बिगड़ गई, लेकिन ये सच था कि बच्चे
गेट से कम से कम 250-300 मीटर दूर थे, कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ा, बल्कि बच्चे जब पुलिस को देखे तो पीछे ही हटने लगे। लेकिन पुलिस दौड़ते हुए आई और उन्होंने जो क्रियाकलाप करना चाहिए काम किया। और फिर मैं वापस एरिया को बाहर देख ही रहा था, कुछ पुलिस वाले थे, हटे के अच्छे भी है, बड़े दोनों होते। उन्होंने पूछा सर आप, हमने कहा मैं टीचर हूँ प्रोफेसर। बोले सर आपके यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप हम लोग चला है। उन्हीं पुलिस वालों में कुछ ने बोला सर आप निकल जाए यहाँ से। मैं आगे जाकर के 9th मरने ही वाला था, तब तक पूरी फोर्स दूसरी लौट और आ गई। ये कौन सर? ये टीचर सर है, जाने दीजिए उनको, यहाँ बच्चियां भी होगी। अब बोला ठीक है, जो भाषा पुलिस इस्तेमाल करती है। और पहला झटका मुझको वहीं से दिया गया, उसके बाद गिरा करके जो होता है मेरे बार बार कहने के बावजूद भी प्रधानाचार्य और ये दुनिया भर की सारी सारी चीज जो कह सकते थे उन्होंने किया, और उसको बराबर वहां बिठाए रहे। और जितना भी अपमानित कर सकते थे टीचर्स को, सबको, बच्चों को कि ये बच्चे हैं, गार्जियन आते हैं दूर से और सब भरे जाते हैं, उनके साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, भगवान है ये, इनको रुक दिया जाता। आज मालूम होता कैसे भगवान है सारी चीजें। एक घंटे बाद फिर से बच्चों को 25-30 बच्चों को लेके जब फौज, इसी बीच में 15 मिनट के लाइट गया है, फायरिंग की आवाज हुई लगातार। बच्चे जब लौट गए, 25-30 बच्चे साथ में उनके साथ थे, जब हम लोग लौट के गए गेट पे पेट्रोल पंप के जस्ट पहले भीड़ खड़ी थी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि आपको सर अभी छोड़ देंगे, अभी खड़े रहिए सुरक्षित नहीं। उन्होंने ले आके मुझे बच्चों के साथ लाइन लगवाई, बोले सर ये प्रोफेसर है। मेरा ऐसा कहना कि अच्छा था, ये वही प्रोफेसर जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, वही प्रोफेसर जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसके बाद फिर उन्होंने क्रियाकलाप जो होता है शुरू किया, बोले थाने लेके चलो। वहां गए, 2 घंटे तक ये कटरी थी, 25 बच्चे थे, बच्चों को चोट लगी, किसी को ब्लड आना, बैठे रहे वहां पे अमानवीय तरीके से। सो सकते हो एक कोटी 25 आदमी वहीं बैठे। 2 घंटे बाद उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया, हम लोग को लेके गए सीएससी कल्याणपुर में। सीएससी कल्याणपुर में वहां रास्ता है, लकड़ी वहां 2 बच्चे थे, आपके 2 बच्चे थे, आपके बीच के 2 बच्चे थे। उन्होंने उन बच्चों ने जो पेट्रोल ऑफिसर से झाड़ू बनाया, बोले सर शासन जो करेगा करेगा, लेकिन हम लोग चूंकि आप लोग बच्चे हैं पढ़ाए हुए हैं, जो हम लोग से मान्यता के आधार पर इन बच्चों के लिए हो सकता हम लोग करेंगे दे देंगे। सवेरे हुआ सर, फिर लगभग 3 बजे के आसपास 2 पुलिस अधिकारी आए, वरिष्ठ, अब मैं नाम नहीं लूंगा, इस समय नाम लेना उचित नहीं है। उन्होंने केस बताया, उन्होंने बोला सर, उन्होंने बोला सर जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते, नहीं होना चाहिए था। हमने कहा मेरे बच्चे 6 घंटे से मेरे साथ लगे हुए, किसी से बच्चे ने ऐसा तो बोला आपसे, या मैंने बोला आपसे, या किसी बच्चे ने कोई ऐसा शब्द कह जैसे कि आप लोगों के लिए कोई उत्तेजनात्मक वर्ग बोले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुप हो गए सवेरे, हम लोग को लेके आए वो, और एक गाड़ी को हमको बिठाया, 25 बच्चों को वहां बिठाया, और सारी सारी फिर जाके गुरुदेव के पास हमको सीधे थाने लेके आए। और उसके बाद बच्चों को कहां लेके जाए, टेस्ट नहीं हो पाया। आने में फिर लगभग 10 बजे के आसपास 7-8 बच्चे और थे, उन्हीं के साथ एक लेटर बना, मुझे और बच्चों को हैंड ओवर किया गया कॉलेज अथॉरिटी की, इनको सपोर्ट किया गया। उसके बाद जो मेरे सामान रात में होते हैं उन सामान को लेकर के फिर लगभग 11:30 के आसपास वहां से आए, फिर हम बताया गया दोबारा ऐसा रहा जैसे आतंकवादी है, ये कहीं के आतंकवादी है, जो चीजें होती है वैसे ही हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से जो घटना अपने माननीय विधायक जी के साथ हुई, मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं खेद जताता हूँ और भर्सना के योग्य है। लेकिन जो दोषी थे अपने बच्चे थे, जो बाधित थे नहीं निश्चित है कौन था, वो घटना कहीं से सर आने की गलत चीज है तो गलत है, लेकिन उसके बदले में जो रात को 4 घंटे बाद 8:30 बजे जो नंगा नाच किया गया है यहाँ पे, वेल प्लान नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए, किसी कीमत से नहीं होना चाहिए था। हमें से जो कस्बे थे उसको पहचाना जाए, चिन्हित किया जाए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। आज रात तक मेरा सवाल है, हम लोग उम्र किस पड़ाव पे आ गए हैं, सेवा के इस पड़ाव पे आ गए हैं। पहली प्राथमिकता हम उससे पूछेंगे क्या होनी चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता ये है, वो जो 25 बच्चे पता नहीं कहाँ है कैसे है, उनको पहला काम यह है कि वो निर्दोष रूप से छोड़े, यही प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। कारण उसका है, कारण यह कि आज हम लोग साथ में है तो सारे के सारे इमोशनली जैसे कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। कल को यदि बच्चे अकेले हो जाते हैं तो हमें से कोई आदमी के पास हम इतने व्यस्त हैं, टाइम नहीं होगा और उन बच्चों के बारे में सोचे, केवल वो और उनके गार्जियन ही परेशान होंगे उसमें। मेरा मानना है कि हमारा प्रयास
एक पोलाइट तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से शासन या प्रशासन के सामने जो भी प्रेजेंटेशन करना है यही होना चाहिए, उन बच्चों का हित नहीं होना चाहिए। 25 बच्चे हैं, हो सकता है कोई बच्चा उसमें हो जो शामिल था सामान्य घटना में 5-6 बच्चों हुआ, हो सकता है, ठीक है, चिन्हित करिए, दंडित की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और बच्चों के साथ जिस तरीके से हुआ है उससे निर्दोष बच्चे भी जा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि हम पोलाइटली रहते हुए, डिसिप्लिन रहते हुए प्रशासन के सामने कहें कि मेरे 25 बच्चों का हित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी शासन जो भी समझता अपने तरीके से करे। मुझे इतना ही कहना, आज मैं फिर अपील करूंगा, हमारी प्राथमिकता ये कि मेरे जो बच्चे हैं 25 उनके साथ अन्याय होगा, कैसा होगा, मेरे साथ जो हुआ अमानवीय हुआ, जो कुछ भी हुआ, मैंने पहले सोचा मैं अपने सेवा काल कैसे पढ़ाऊं कहूं, मैं पहले भी सोच चुका हूं और आज भी मेरे लिए अपना कुछ वो मैंने नहीं रखता। What matters right now at this point of time, that is the career of all the 25 students. Career of all the 25 students. उनके लिए सोचना चाहिए, शासन प्रशासन में यही निवेदन करना है उन बच्चों किसी भी तरीके से वो अपनी चीजें देखते हुए उनको अपना रिहा करे, यही मेरा होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, डिड यू हैव अ डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन विद द एसएसपी? देखिए ऐसा है मैडम, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, जिले के प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, सभी लोग आते हैं, कभी नहीं हुआ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं एसएसपी से या डीएम से कमिश्नर से, हम लोगों का कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, क्यों होगा बताइए? जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ आते समय समय पे हमसे बोलते हैं, हम बुलाते हैं, नो पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनल क्या, आपको बताइए पर्सनैलिटी क्या हो सकती है? पर्सनल होना है, डीएम को आना आ रहे हैं, कमिश्नर को आना आ रहे हैं, देखिए एक बार सुने पर्सनल एनिमिटी एसएसपी से या किसी साथ लिंक है, यानी पर्सनल एनिमिटी सारे प्रोसेस में आपको है नहीं, देखिए मैंने बोला ना मेरे साथ जो हुआ है फैकल्टी, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, डोंट बॉदर अबाउट मी, आई डोंट एग्री, आपकी बात नहीं, नो आई डोंट एग्री एट ऑल, माई अपील नो नो आई डोंट एग्री टू ऑल, आई एग्री ओनली फॉर द कैरियर ऑफ 25 स्टूडेंट्स, you don't bother about me, you bother about what is going to happen to the career of 25 students, what happened to me, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। आप उन बच्चों के बारे में सुरक्षित तरीके से शासन प्रशासन जो कर सकता है उनसे रिक्वेस्ट करके या बात करके उन बच्चों के लिए।